नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, ट्रंप साहब के आने से इतना बड़ा, इतनी तूफानी तेजी आएगी ये सोचा भी नहीं होगा हम सभी ने। तेजी आएगी ये जरूर सोचा था, बाजार के लिए पॉजिटिव होगा ये जरूर सोचा होगा, लेकिन इतना बड़ा एक्शन हो जाएगा ये नहीं सोचा था। देखो, सच यही है कि ट्रंप साहब के आने से मार्केट खुश है, लेकिन इतनी बड़ी रैली क्या ये जायज है, इस पे भी सवाल उठता है। लेकिन एंजॉय कीजिए अभी तेजी को, बाद में जो होगा देखा जाएगा। वैसे ही करीब एक डेढ़ महीने से टेंशन में घूम रहे हैं, पोर्टफोलियो को लॉस में देख देख के परेशान हो गए हैं। अभी एक बहुत बड़ा ट्रिगर आया और उसने सबको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ जरूर दिया इंटरनली कि यार ट्रंप साहब आ गए, बाजारों में तेजी आ गई, तेजी आ गई, तेजी आ गई। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रंप साहब की जीत से कहां कहां जश्न मनाया जा रहा है। ऑब्वियस है, अमेरिका में तो मनाया ही जाएगा। तो अमेरिका भाई साहब बड़ा तंगड़ा जश्न मना रहा है। डाव जोन्स लाइफ हाई हिट कर गया है भाई। सिंगल डे में 1300 पॉइंट्स की तेजी डाव जोन्स में देखने को मिल रही है। 3% से ज्यादा डाव ऊपर है, लाइफ हाई डे हाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अभी जस्ट अभी मार्केट ओपन ही हुए, ज्यादा समय नहीं हुआ है। नेस्डेक इंडेक्स 2% रैली कर रहा है, 350 पॉइंट ऊपर नेस्डेक इंडेक्स है। कमाल तो किया है दोस्तों रसल 2000 ने, यानी छोटी मझोली कंपनियां जो स्मॉल कैप हैं, वो 4% ऊपर है इंडेक्स रसल 2000 की बात करूं तो। वहीं S&P 500 गए, हम क्यों पीछे हो जाएं, तो 2.5% की तेजी S&P 500 में देखने को मिल रही है। और अगर कुछ गिरा है तो वो है विक्स। अमेरिका में विक्स धराशायी हो गया है एक बड़े इवेंट के बाद, 19% क्रैश होता हुआ दिख रहा है विक्स। भारतीय बाजार ने भी कोई कम सेलिब्रेट नहीं किया है दोस्तों आज अमेरिका में ट्रंप साहब की जीत को। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स 2-2% से ज्यादा रैली करते हुए दिखे हैं। दिग्गज सेंसेक्स निफ्टी 1-1% से ज्यादा रैली करते हुए दिखे हैं। बैंक निफ्टी अपनी एक्सपायरी के चलते सुस्त जरूर था, लेकिन वहां भी एक्शन जरूर आएगा। न केवल इतना कि भारत और अमेरिका सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ना केवल इक्विटी मार्केट सेलिब्रेट कर रही है, क्रिप्टो मार्केट भी। बिटकॉइन भी हाई पे हाई लगा रहा है दोस्तों। और अगर बात करें इंडिया और अमेरिका के बाहर, तो जापान भी 2.5% से ज्यादा रैली करता हुआ दिखा है। अगर कुछ टूट रहा है तो वो है शंघाई, यानी चाइना 2.25% नीचे है। चाइना को डर है टैरिफ हाइक्स का, कुछ चिंताएं हैं बिजनेस को लेकर जो ट्रंप साहब बढ़ाएंगे। तो ये सारी जगह बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं दोस्तों। अगर आपको नहीं पता है कि यार ऐसा भी क्या हो गया ट्रंप साहब के जीतने से, अभी कौन सी कोई पॉलिसी आ गई, क्यों इतना खुशी मनाई जा रही है, तो मैं एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा दोस्तों। ट्रंप साहब आने से पहले और जब पहले आए थे, तो हम सभी को पता है कि उनका चाइना के साथ नहीं बनता है। चाइना को लेकर कंटिन्यू वो कुछ ना कुछ कमेंट्स करते रहेंगे अपने ट्विटर के माध्यम से, जिसे हम एक्स के नाम से जानते हैं। प्लस चाइना के तरफ से जो भी चीजें इंपोर्ट होती हैं अमेरिका, उन पे टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा, जिससे और कंट्रीज की कंपनीज के लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि एक कंट्री किसी का, मान के चलो भारत से भी मेटल सप्लाई हो रहा है चाइना से भी, चाइना का अगर मेटल महंगा है और भारत का सस्ता है, तो लोग भारत का खरीदेंगे, तो ये क्या हुआ, हमें बूस्ट मिल गया। अब उनका महंगा क्यों हो गया, क्योंकि उन पे टैरिफ टैक्स ज्यादा लगा दिया गया, ठीक है। प्लस अगर देखा जाए तो ऑलरेडी चाइना पे यूरोप टैरिफ बढ़ा चुका है अपना गाड़ियों पे, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आउटसाइड चाइना बड़ा पॉजिटिव होंगी। और इस समय चाइना प्लस वन में हम सबसे फेवरेट हैं, तो एक तो हमारे लिए ये बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा, चाइना आप सभी को पता है बहुत बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरर है हर एक चीज का, ये आप कह सकते हो। तो बांग्लादेश में परेशानी आई, टेक्सटाइल में सबसे बड़ा प्लेयर कहीं ना कहीं बांग्लादेश है, चाइना के आसपास ही है शायद। अब चाइना से वैसे ही कोई लेना नहीं चाहता, तो भारत के लिए यहां भी अपॉर्चुनिटी खुलेगी। ऑटो कंपोनेंट्स में चाइना पे टैरिफ लगा दिया जाएगा, तो भारत के लिए आपकी अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा ओपन हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर्स की बात करी जाए अगर, तो चाइना से बहुत ज्यादा माल एक्सपोर्ट होता है, उन पे भी टैरिफ बढ़ा जाएगा, तो भारत के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। तो चाइना प्लस वन जो भी चीजें हैं, वो सारी भारत के लिए पॉजिटिव होंगी, और इसीलिए कुछ कंपनियां भी भागते हुए दिखी हैं। दोस्तों, मैं डायरेक्टली आपके साथ कुछ सेक्टर्स भी शेयर करना चाहूंगा। टेक्सटाइल मैंने दोपहर भी बोला था, केमिकल मैंने दोपहर बोला था, एक नया सेक्टर और लिखिया ऑयल मार्केटिंग का। देखिये, OMCs में दो तरीके की है, एक तेल बेचने वाली और एक तेल खरीदने वाली। तो जो कंपनियां तेल खरीदती हैं उनके लिए फायदे वाली बात होगी। कौन सी कंपनियां जो तेल खरीदती हैं और क्यों, उसको समझिए। देखो, ट्रंप साहब के आने से दो तीन चीजें और भी क्लियर हो रही हैं।
पहली बात वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये जो रशिया यूक्रेन इतने समय से चल रहा है इसे रोक देंगे एक तरफा बात करके कि भाई अब तेरे को लड़ना है तो तू बता दे वरना शांत बैठ जा। और दूसरी तरफ आपका ये जो ईरान की तरफ से जो चीजें हो रही हैं वो भी कहीं ना कहीं शांत हो जाएंगी, और कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया जा सकता है और कच्चा तेल की डिमांड वैसे ही कमजोर है तो कच्चे तेल के दाम टूट सकते हैं। अगर कच्चे तेल के दाम टूटते हैं तो क्रूड सस्ता होने की वजह से जो कंपनियां कच्चा तेल खरीदती हैं उनके एक्सपेंसेस काफी कम हो जाएंगे जिसकी वजह से कंपनीज को फायदा होगा। अब कौन सी कंपनियां हैं जो कच्चा तेल खरीदती हैं, तो पहला तो भैया ओएमसीज में डायरेक्ट आपका एचपीसीएल आईओसी बीपीसीएल आ जाता है। अब कच्चा तेल घटा इनको फायदा होना शुरू हुआ तो भैया गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि हम लोगों तक फायदा पहुंचाया जाए और पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते करे जाए, नहीं करेंगे तो कंपनियों का तो फायदा है ही है। दूसरे लेवल पे आपका केमिकल कच्चे तेल को खरीदती है भाई साहब। दूसरी बात करूं तो पेंट कंपनियां कच्चे तेल को खरीदती हैं, तो कच्चा तेल ऑलमोस्ट हर जगह पहुंच रहा है और उसकी वजह से हमारा इन्फ्लेशन बड़ा बढ़ता है। अब वो नीचे आएगा तो हमारा इन्फ्लेशन भी काफी नीचे आ सकता है। ये सारी चीजें मार्केट फैक्टरिंग कर रहा है अभी से। अब जब धीरे धीरे ये चीजें होंगी तो हमें समझ में आएंगी, लेकिन अभी मार्केट ये मान रहा है कि ऐसा कुछ होगा जरूर। बट ये जो तेजी है ये इवेंट बेस्ड तेजी है दोस्तों, एक से दो दिन चलेगी उसके बाद शांत हो जाएगी। मैं आपको ये भी बता दूं एट द एंड आप तेजी में रहोगे तभी जब ये सारी चीजें होंगी और देश को कंट्री को पैसे से फायदा होगा तभी हम लोग ऊपर जाएंगे। अभी ये दिखाया वापस नीचे आएंगे फिर जब चीजें होने लगेंगी तो ऊपर जाएंगे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।